हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोगों ने एमएक्स प्लेयर रन किया होगा, उसमें आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी कि वीडियो में हम वीडियो जैसे प्ले करते हैं उसमें तो नॉच वाले एरिया में वीडियो प्ले नहीं होता है। मुझे काफ़ी क्वेरीज आ रही थी इस पर कि अब कैसे हम नॉच वाले एरिया पर वीडियो को रन कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा यूट्यूब में, अगर हम वीडियो को रन करते हैं और हम पिंच जूम आउट कर दें तो वो पूरे स्क्रीन में ही वीडियो प्ले होने लगता है। आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं मार्केट में, उसमें आपने देखा होगा कि कैमरा बीच में होता है और दोनों तरफ स्क्रीन होती है, मतलब फुल स्क्रीन का ही ज़माना आ गया है। तो कैसे हम जैसे वीडियो यूट्यूब में चलते हैं वैसे ही हम वीडियो एमएक्स प्लेयर में चलाएं, तो उसके लिए सेटिंग मैं कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको विदाउट सेटिंग दिखा देता हूँ कैसे वीडियो रन करते हैं एमएक्स प्लेयर में। देखिए, पहले हमने खोला एमएक्स प्लेयर, कोई भी इसमें एक वीडियो रन कर लेते हैं अपन। मान लीजिए मैंने ये वीडियो, देखिए अगर मैं इस वीडियो को जूम आउट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये नॉच वाले एरिया में रन नहीं कर रहा है, मतलब जहाँ पे मेरा कैमरा है उसके दोनों तरफ जो स्क्रीन है वहाँ तक ये वीडियो रन नहीं कर रहा है। तो कैसे इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं वो देखिए आप। ठीक है, मैं बैक जाता हूँ, हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले में जाने के बाद आपको फुल स्क्रीन ऐप्स में जाना है और अपना एमएक्स प्लेयर सर्च करना है। ये रहा हमारा एमएक्स प्लेयर। तो एमएक्स प्लेयर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी ऑटो लिखा हुआ है नीचे, इसको हम क्लिक करते हैं और ऑटो को डिसलेक्ट करके हम फुल स्क्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे वीडियो को। हम गए वापस से एमएक्स प्लेयर पे और वापस से हम वही वीडियो रन करते हैं। ये देखिए, अब मैं इसे जूम आउट करूँगा। ये देखिए, अब ये पूरे स्क्रीन पर या नॉच वाले एरिया पर भी वीडियो हमारा रन कर रहा है। आशा करता हूँ आपके लिए ये सेटिंग हेल्पफुल होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।